हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करिश्माज लिटिल गार्डन। तो मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी एक वीडियो बना रही हूँ नाइट के टाइम पे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। मैं आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ, होम प्लान सीरीज़, जिसमें हम होम प्लान के बारे में पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको होम प्लान के बारे में बहुत कम नॉलेज है, वो होम प्लान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि होम प्लान्स हमें किस टाइप से बेनिफिट देते हैं, किस टाइप से हमें वो अपने घर पे रखने चाहिए, कैसे प्लान्स रखें, कहाँ पे रखें, किस साइड रखें, उस बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस वाली सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगी तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसे एपिसोड वाइज मैं इसे क्रिएट करने वाली हूँ। तो आपको अलग अलग टाइप के एपिसोड, अलग अलग टॉपिक के आधार पे पूरी डिटेल्स में मैं आपसे बात करूँगी। फ्रेंड्स, मैं एपिसोड की बात कर लूँ तो मेरे 5 एपिसोड आएंगे। फर्स्ट एपिसोड होगा, वो होगा इंडोर प्लांट्स, जिसमें मैं आपको बेसिक इंडोर प्लांट्स के बारे में नॉलेज दूंगी, जो आप अफोर्ड भी कर सकते हो। तो हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा, वो आएगा एंट्रेंस प्लांट, कि आप अपने घर के एंट्रेंस को किस टाइप से प्लांट से डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे प्लांट अपने घर के एंट्रेंस पे रखें, कैसे अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करें, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, एनर्जी, वो हम अपने घर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम उस वाले एपिसोड में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्रेंस अच्छी होगी, क्लाइंट या हमारे मेहमान को अच्छा लगेगा, तभी उनको पता चलेगा कि भाई ये एंट्रेंस इतनी अच्छी है तो घर कितना सुंदर होगा। एंट्रेंस पे कौन से प्लांट रखे, किस टाइप से उसे सजाए, किस साइड पे रखे, कौन से प्लांट अच्छे रहेंगे, उस वाले में हम डिटेल्स में बात करेंगे एंट्रेंस वाले एपिसोड में। उसके बाद आएगा मेरा लिविंग रूम प्लांट। तो लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, आप जो भी बोलो, कि हम अपने लिविंग रूम में कैसे प्लांट्स रखें, किस टाइप से अपने लिविंग रूम को सजाएं, उसके बारे में भी मैं आपसे पूरी डिटेल्स में बात करूंगी। उसके बाद जो आएगा वो हमारा एपिसोड होगा, वो होगा बेडरूम प्लांट्स। बहुत सारे फ्रेंड्स को ये मन में क्वेरी होगी कि हम बेडरूम्स में भाई प्लांट रखें या ना रखें, रखें तो कैसे प्लांट रखें, प्लांट तो भाई रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हमें उसे बेडरूम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये क्वेरी हो अगर आपके मन में, तो आप मेरी इस सीरीज पे ज़रूर बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रात को भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और वास्तु के हिसाब से भी वो हमारे बेडरूम बेस्ट होते हैं। तो हम उस वाले एपिसोड में बात करेंगे कि हम अपने घर के बेडरूम को अपने कैसे। तो फ्रेंड्स, जो बेडरूम वाला जो हमारा एरिया होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बेडरूम ऐसा रूम होता है जहाँ हम आराम से सो सकते हैं, हमें पीस, शांति मिलती है उस वाले पार्ट में हमारे घर के। तो फ्रेंड्स, हमें बेडरूम को तो अच्छी तरह से सजाना ही होता है। तो हम बेडरूम में कौन से प्लांट रखें जो हमें बेनिफिट देंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होंगे, तो मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो मेरा एपिसोड आएगा, वो होगा हैंगिंग प्लांट या हाइड्रोपोनिक प्लांट, कि हम अपने घर पे किस टाइप के हैंगिंग प्लांट से हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होम प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, वो बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके घर में होम प्लांट ना हो, तो मेरी इस सीरीज़ को देखने के बाद आप अपने घर में होम प्लांट ज़रूर लाइएगा, क्योंकि वो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट देते हैं। वास्तु के हिसाब से भी हम जानेंगे कि प्लांट हमारे घर में
किस टाइप से वर्क करते हैं, क्योंकि मैं वास्तु में बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने अपने घर को भी कुछ इस टाइप से ही प्लांट से सजाया है। तो मैं आपसे जो मुझे पता है, जो मैंने नॉलेज लिया है, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वाली सीरीज में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।